बजट में कहीं भी माइनॉरिटी का जिक्र नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने ये सोच लिया है क्या कि माइनॉरिटी को बिल्कुल दरकिनार कर देना है? अध्यक्ष महोदय, अभी तक उर्दू अकेडमी का चेयरमैन नहीं बना मंत्री जी, अभी तक मौलाना आजाद कारपोरेशन का कोई चेयरमैन नहीं। मौलाना आजाद कारपोरेशन में पूरे महाराष्ट्र में ऑफिसेज है, खर्चा हो रहा है, परंतु कर्ज किसी को नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोई डायरेक्टर नहीं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं। अध्यक्ष महोदय, काम पूरा ठप हुआ है, वक्फ बोर्ड का सीईओ नहीं। आजाद मौलाना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन सिर्फ जो पैसे जमा बैंक में उसका सिर्फ ब्याज जमा कर रही है और किसी को कोई भी कहीं से भी किसी को लोन नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्कॉलरशिप में जो माइनॉरिटी के बच्चे अप्लाई करते हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके लिए फिक्स अमाउंट है। अगर 100 बच्चे ने स्कॉलरशिप मांगा तो जो अमाउंट में फिक्स है उतने मिलेगा, बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे समाज के स्कॉलरशिप के लिए 8 लाख रुपए इनकम और मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए इनकम पर जो स्कॉलरशिप दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये लगातार नाइंसाफी हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि मुस्लिम समाज भी एक यहां का हिस्सा है, उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये ना इंसाफी होगी तो देश कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। धन्यवाद।